बीते सालों में जेएनयू के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर बहुत सवाल उठे रहे हैं। जो सवाल उठते हैं लगातार, जेएनयू में ऐसा होता है, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, नारे लगते हैं देश विरोधी और तमाम चीजें होती हैं, क्या आप उस पर क्या दलील देना चाहेंगे? क्योंकि पूरा देश है वो आपको सुनेगा एटीवी भारत के जरिए, कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो कि इस पूरे मामले में जेल में रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, वो क्या कहते हैं जेएनयू कि इस तमाम जो एलिगेशंस लगते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या कहिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर सवाल पूछना, अगर सरकार के पॉलिसीज के ऊपर, सरकार के कुछ जो नीतियां होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ अगर सवाल उठाना देशद्रोह होता है, तो ये बहुत ही एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि देश क्या होता है और विद्रोह क्या होता है उसका। अगर हम फी अब जैसे अभी अगर हम जेएनयू का ही बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट मूवमेंट जो हुआ था कि फीस को लेके, कि जेएनयू का फीस जो बहुत अधिक बढ़ाया जा रहा था, तो अगर स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, वो किसान का बच्चा हो, वो मजदूर का बच्चा हो, वो किसी का भी बच्चा हो, हमें एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें वो हक है पढ़ाई के लिए। एज अ यंग वुमेन जिसके ऊपर शादी का प्रेशर रहता है, बहुत अलग अलग प्रेशर्स रहता है, मुझे हक है एक एक्सेसिबल एजुकेशन का, एक अफोर्डेबल एजुकेशन का। तो ऐसे सवालों को जब हम उठाते हैं, अगर इसको देशद्रोह माना जाता है, और ऐसा एक कानून जो बेसिकली कॉलोनियल टाइम्स से चला आ रहा है, और जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये कानून जिस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि ये कानून जो अंग्रेजों के जमाने में था, वो कानून अभी भी क्यों लागू है। और मतलब अलग अलग सरकारों ने इसको अलग अलग तरीके से, ये डेमोक्रेटिक राइट्स, अगर अगर हम और हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम पढ़ाई सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ाई समाज बदलने के लिए भी करते हैं। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के हक के बारे में, दलितों के हक के बारे में, औरतों के हक के बारे में, आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कैसे देशद्रोह बोल सकते हैं? क्योंकि ये सारे देश के लोग ही है, और इन देश के लोगों का क्या अधिकार है, क्या हक है, उनके साथ देश में क्या भेदभाव चल रहा है, उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या इनजस्टिस, क्या ऑप्रेशन, क्या उत्पीड़न हो रहा है, इन सब के बारे में अगर हम यूनिवर्सिटी में बात नहीं करेंगे, तो पढ़ाई का ही क्या मतलब हुआ? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। पिंजरा तोड़ कैंपेन है, उससे आप जुड़े हुए हैं, पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में तमाम लोगों को थोड़ा ब्रीफ है मेरे ख्याल से आपके जरिए आना चाहिए कि क्या किस तरह का कैंपेन है और आगे क्या, ये पूरा जो दौर बीता है इससे आगे किस रूप में आप देखते हैं, कि आपकी स्टडीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं और समझ सकते हैं कि किस रूप में पूरा मेंटल ट्रोमा रहा होगा, लेकिन अब इससे आगे क्या, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में आपका रोल क्या और आपकी पर्सनल जो स्टडीज है उसका क्या? पिंजरा तोड़ के बारे में तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हम समाज में इमेजिन करते हैं ना, कि महिलाओं के जीवन में बहुत सारे पिंजरे होते हैं। एक होता है फैमिली का पिंजरा, क्लास का पिंजरा लो, आप कास्ट का पिंजरा लो, अलग अलग सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस का पिंजरा लो, ये सारे पिंजरे। और वो हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट थे, एक विमेन स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट था, एक कलेक्टिव था, तो उसमें ये सब सवाल हमारे जिंदगी में कैसे आता है, और इसको लेके हम लोग साथ में मिलके कैसे इसके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, कैसे लड़ाई कर सकते हैं। और ये जो नारीवाद और फेमिनिज्म का भी मुद्दा है, ये जो पिंजरों का मुद्दा है, कि जब तक पूरा समाज, ये नहीं है कि औरतें अकेले जाके मतलब फ्री हो सकती है, जब तक पूरा समाज फ्री नहीं हो सकता, जब तक इक्वल राइट्स फॉर दलित, आदिवासीज, फॉर मुस्लिम्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ओप्रेस्ड आइडेंटिटीज नहीं मिलता है, तब तक हम अकेले औरतें कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि हम औरतों के अलावा भी हमारे जीवन में और बहुत सारे आइडेंटिटीज है। तो ये सब एक मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे आगे बढ़े, तो एक वो एक एक हिसाब से एक छोटा सा मुहिम था जिसको धीरे धीरे आगे लेके जा रहे थे। अभी 1 साल से जेल में है, पर ये जरूर है कि पिंजरे तो खत्म नहीं हुए। हम पिंजरा तोड़ने का बात कर रहे थे, और उसके बाद सरकार ने हमने सीधा जाके एक पिंजरे में ही डाल दिया था, तो उसका एब्सर्डिटी और जोक तो आपको हर टाइम स्ट्राइक करता था कि हम बोलते थे कि ठीक है, लड़कियों को आजादी होनी चाहिए, मतलब रात जैसे हमारे हॉस्टल के कर्फ्यूज होते थे, वो सब छोटी छोटी चीजों के लिए, और फिर आपको जेल में बड़े बड़े रॉड्स, ताले, लॉक्स, हर चीज में बंद कर दिया गया था। तो
उस हिसाब से उसका तो एक आयरनी रहा ही है इस पूरे सफर में। और अभी तो शायद मतलब 2 दिन ही हुए जब से हम बाहर आए हैं, पर डेफिनेटली मतलब पिंजरा तोड़ हो, क्योंकि कोई औरत या फिर जो भी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है इस देश में, कोई भी अभी फ्री नहीं है। और हर अलग अलग तरीके के पिंजरे सबके ऊपर सबको कैद करके रखा है, जिसका एक एक्सट्रीम फॉर्म हम अभी देख के आए हैं। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ।